हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई। कौन है जो आपसे बात करना चाह रहा है और क्यों? पहले मैंने शायद मिसिंग यू की एनर्जी की थी, अब हम दोबारा चेक करते हैं, बिकॉज पिछली दफ़ा एक बहुत हैवी एनर्जी आई थी किसी पर्सन की थी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान था। तो लेट्स सी के हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई। कौन है जो आपसे बात करना चाह रहा है और क्यों? ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या किसी फैसले पर पहुँचे, ठीक है? प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आई विल बी अवेलेबल फॉर अ लॉन्ग ब्रेक इन कमिंग 10 डेज, तो आप अपना प्राइवेट स्लॉट भी, डिटेल स्लॉट भी बुक करा सकते हैं और सिंगल क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हैं। सबसे पहले हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, और फिर उसकी एनर्जी चेक करेंगे, और फिर टैरो से मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे कि क्यों उसको बात करनी है और कौन है जिसको बात करनी है। सबसे पहले देखते हैं हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, क्या सिनेरियो है, क्या कॉन्टेक्स्ट है। ओरेकल से चेक करते हैं हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। द हीलिंग लाइट, ओके, द वास्ट यूनिवर्स, पर्पज है। जो भी पर्सन आपसे बात करना चाहता है उसको यूनिवर्स एक सिग्नल दे रही है, एक साइन दे रही है कि उसको आपसे बात करनी चाहिए। मे बी किसी सिचुएशन में स्टक है, जो भी है वो अभी हम रीजन देख लेंगे। लेकिन जो पर्सन है, या तो ये अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फेज में है, या फिर ये एक ऐसा पर्सन है जो कि खुद बहुत स्पिरिचुअली अवेकेंड है। इसको साइंस आते हैं, इनसाइट्स होती हैं, इंट्यूशंस होती हैं, डाउनलोडिंग होती हैं, या ये पर्सन किसी टर्मोइल से गुजर रहा है जिसमें इसको खुद फील हो रहा है कि ये अपने ही टर्मोइल में होते हुए खुद ही अपना एक हीलिंग प्रोसेस जो है वो सेट कर रहा है। जो आपसे बात करना चाहता है उसको ये भी पता है कि आप उसकी ज़िंदगी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग होप हैं, एक पीसफुल, एक लाइट, एक अवेकनिंग, स्पिरिचुअलिटी लाने वाला पर्पज़ हैं। जो भी है, इस वक्त इस पर्सन को आपकी डेस्परेट एनर्जी की नीड है। चाहे सोचें, चाहे फैंटेसाइज करें, इमेजिनेशन में लाए, जो भी लाए, ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, बिकॉज सम हाउ इसको कहीं अपनी सराउंडिंग में कोई एक ऐसा पर्सन नहीं मिल रहा जो आप जितना सपोर्टिव, मॉरल सपोर्टिव, इमोशनल हील देने वाला कोई ऐसा पर्सन हो। लेट्स सी इस पर्सन की एनर्जी क्या है। हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। ऑल राइट, ये उस रीडिंग में भी यही कार्ड आया था। आई थिंक ये पर्सन अभी भी स्टक है, जो हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू जो अभी थोड़े दिनों पहले मैंने रीडिंग की थी, आप स्क्रॉल डाउन करके दोबारा भी चेक कर सकते हैं। स्टिल ये पर्सन अपने लिए बहुत से ऐसे गड़े खोद चुका है जो कि बंद खिड़कियां, बंद दरवाजे हैं। आपके बहुत सराउंडिंग में, करीब में ये शख्स रहता है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकता है, बिल्कुल करीब में है, यानी इतना करीब में है कि आपकी नज़र भी ना पड़े और आपको पता भी ना चले कि इसको मेरी, इसको मुझसे बात करनी है, इसको बात क्यों करनी है, इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, यानी आपका ध्यान कतई नहीं जा रहा। दूसरा ये कि एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़, इस पर्सन को कोई फैसले लेने, कुछ ना कुछ फैसले लेने, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स की तरफ से भी जो गाइडेंस आई है, हो सकता है ये पर्सन आप ही से कॉन्टैक्ट करें, या ये आपकी खुद की भी रीडिंग हो सकती है, ये खुद आपकी खुद की भी एनर्जी हो सकती है कि आप इस ट्रैक पर आ रहे हैं कि आप पॉसिबिलिटीज़ ढूंढेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे। जो आपसे बात करना चाहता है, इस वक्त वो जो दर सोल्यूशन के लिए खोल रहा है, वहाँ दर खुलते ही वो दरवाज़ा एक दीवार की तरह बंद है। बहुत उल्टी सीधे फैसले अपनी ज़िंदगी में किए हुए हैं, उन फैसलों को ठीक करना है, इसी वजह से ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है। अब तक के ओरेकल डेक में यही दो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है। नाउ लेट्स चेक, अब वाइस पर आते हैं। पहले मज़ीद चेक करेंगे कि हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू,
कौन है जो आपसे बात करना चाह रहा है? हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू? कौन है जो आपसे बात करना चाह रहा है? हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू? कौन है जो आपसे बात करना चाह रहा है? हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू के बहुत सारे कार्ड्स आ गए. मून, द डार्क नाइट, शेडो साइड. परेशान है ये पर्सन, नेगेटिव एनर्जी में बहुत ज़्यादा है. अपनी ज़िंदगी में कोई प्रेशियस मोमेंट नहीं ढूंढ पा रहा, खुशी नहीं ढूंढ पा रहा. इसके पास ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मौक़े हैं जिसको ये इन्जॉय कर सकता है, सेलिब्रेट कर सकता है. लेकिन एक बदबख्ती वाला जो आलम होता है ना, कि अच्छी चीज़ को भी, यानी कुछ लोग मिट्टी को सोना बना देते हैं और कुछ लोग सोने को मिट्टी बना देते हैं. फियर्स, खौफज़दा है. दो चीज़ें यहाँ पे, मून और दो डार्क नाइट, और यहाँ पर लिमिटेशंस ऑफ फियर्स. इनसिक्योरिटीज़ हैं. इस पर्सन को आइसोलेट किया हुआ है इसने अपने आप को, और कोई भी इसको अप्रोच करना चाह रहा है तो ये उससे मिल भी नहीं रहा. इंटीग्रेशन, हो सकता है ये आपके एक्स हो सकता है ये आपके पार्टनर हों. कभी कभी ये अपना ये साइड भी आपको दिखा रहे हों कि ये भी इनके अंदर जरासीम है, परेशान करने के, तंग होने के, खुद भी तंग करने के. अदरवाइज़ ये जो भी पर्सन आपसे बात करना चाहता है, इंटीग्रेशन और यूनियन, रेजोल्यूशन की तरफ आ रहा है, सोल्यूशन की तरफ आ रहा है, सुलह की तरफ आ रहा है, इसलाह की तरफ आ रहा है, जो भी आ रहा है. इस पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग इस बात पे बिलीफ है कि इसको आपके साथ यूनियन में आना है. नाउ लेट्स चेक कि ये कौन है और इसको क्यों आपसे बात करनी है. सफरिंग, अकेला है, पास्ट की बातें काफ़ी ज़्यादा हिट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, तंग कर रही हैं, इस वजह से इसको आपसे बात करनी है. ग्रोथ, समर, हो सकता है बाय दिस ईयर जून में या जुलाई में या मई में या अप्रैल में, जब समर सीजन स्टार्ट होता है, उस वक्त तक ये आपके सामने बिल्कुल कम्प्लीटली रिवील हो जाए कि ये आपसे क्यों बात करना चाहता है. बेसिकली इसकी ग्रोथ में, इसके डिसीजन में कुछ स्टक है ये. अपॉलोजी, माफ़ी मांगेगा, माफ़ी ज़रूर मांगेगा. कोई मामला, कोई हरकत, कोई चीज़ इसने ज़रूर ऐसी की है जिसमें इसको माफ़ी मांगनी चाहिए, और माफ़ी मांगने की हिम्मत ये नहीं कर पा रहा. लेट्स सी मोर. करियर, कॉन्ट्रैक्ट्स, कमिटमेंट, वादा किया था कोई, वादा करके वादा तोड़ा है, वादा खिलाफी की है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिसका ये आपका फर्जदार है, इसलिए इसको आपसे बात करनी है ताकि कोई ना कोई मैटर्स और मामला जो हैं वो रिजॉल्व हों. कम्युनिकेशन, बहुत जल्द ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेगा, सोर्सेज ढूंढ रहा है. इसको मैसेज करना है, बात करनी है, ट्रैवल करके आएगा, कुछ भी करके आएगा. एक पीक पॉइंट इस पर्सन का नज़र आ रहा है कि ये आपसे कांटेक्ट कर लेगा, बिकॉज एक मोमेंट पर आकर इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब इससे बात किए बगैर चारा नहीं है, अब मैं सिर्फ इसी से बात करूं और इसी से बात करके कोई सोल्यूशन अपनी लाइफ में ढूंढूं, बिकॉज इसके अलावा कोई और ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा. तो डेस्परेटली आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है, मैसेज आ रहा है, ट्रैवल आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, कमिटमेंट आ रही है. जो चीज़ इसने तोड़ी थी, ये डेफिनेटली उस चीज़ को हर हालत पे ठीक करेगा और आपकी तरफ आएगा. तो हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू में यहाँ तक ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि किसको आपसे बात करनी है, और इस डेक से और इस ओरेकल से क्लियर पता चल रहा है कि क्यों बात करनी है. नाउ लेट्स सी, और चेक करते हैं अब टैरो से, स्पेशली टैरो से चेक करते हैं कि हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू एंड वाई. Who wants to talk to you and why? Flip हुआ है कार्ड. Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. एज में आपसे कम हो सकता है या आप इससे एज में कम हैं. आपने इस पर्सन से अपना रास्ता भी बदल लिया है. Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The High Priestess, Pisces. Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Water sign बहुत ज़्यादा strong है. आप किसी water sign से deal कर रहे हैं या ये water sign है, जो भी है, ये वाटर साइन होते हुए सिक्स ऑफ वॉन्ड्स. ऑलराइट, इस पर्सन को स्ट्रांगली इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है, फैक्ट्स का पता चल रहा है इस पर्सन को. कौन है जो ये आपसे बात करना चाहता है? एज डिफरेंस आप दोनों में है, आप बड़े हैं या वो छोटा है, या वो बड़ा है आप छोटे हैं. हार्ट ब्रेक से गुजर रहा है ये पर्सन. हो सकता है आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिसकी वजह से आपने इसके साथ रास्ते कट किए. आप खुद बहुत दिल बर्दाश्ता हैं, ये बहुत दिल बर्दाश्ता है. आप खुद टैरो रीडिंग करते हैं, टैरो रीडिंग्स के लिए देखते हैं, या खुद टैरो रीडर हैं, या फिर इस पर्सन ने आपके लिए टैरो रीडिंग करवाई है, इसको टैरो रीडिंग से कोई हीलिंग का पता चला है या किसी सोल्यूशन का पता चल रहा है.
ये आपके फ्रेंड जोन में से वो हो सकता है, कजन्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, तीन लोगों का फेरा है, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। ये पर्सन बहुत खामोशी से आपकी सक्सेस को, आपके पब्लिकली नोन होने को नोटिस करता है। ये देख रहा है कि किस तरीके से लोग आपको पसंद करते हैं, लोग किस तरीके से आपको देख रहे हैं, आप लोगों में किस तरीके से हीलिंग स्प्रेड करते हैं, और हीलिंग का कार्ड सबसे पहला आया भी था। इस पर्सन को स्टोली ग्रेजुअली इस बात का बहुत एहसास हो रहा है कि जिस तरीके से आपके साथ इसकी एनर्जी मिक्स होती थी, केमिस्ट्री डेवलप होती थी, आप हर बुरे वक्त में इस पर्सन के साथ होते थे, अब एक डिटैचमेंट है। खामोशी से कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको स्टॉक भी करता है, नोटिस भी करता है, बिकॉज इसको कोई सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं मिल रही। मैसेज करते करते, टाइप करते करते मिटा देता है, किसी और को मैसेज कर देता है, फिर समझ नहीं आता। कहीं ना कहीं इसको वो बढ़ास निकालने का भी मौका नहीं मिल रहा। बॉटम ऑफ द डेक में हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू में एस ऑफ कप्स आया है, तो दैट मीन्स कि आपने डेफिनेटली जेन्युइनली इस इंसान को बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, बहुत अनकंडीशनल मोहब्बत की है आपने इस इंसान से। एक बेलॉस, बिल्कुल ऐसी कि किसी चीज़ में कोई पलट नहीं था, कोई रिवॉर्ड नहीं था, कुछ आपको इन रिटर्न नहीं चाहिए था, आपने बहुत भरपूर तरीके से इंसान से मोहब्बत की है, एंड इट इज़ वेरी क्लियर हियर। नाउ लेट्स सी कि इन्हीं को क्लैरिफाई करते हैं, जिसको आपसे बात करनी है उसको क्यों बात करनी है। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, नाइन ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन परेशान है, इसको काफ़ी एक्सट्रीम एन्जाइटी का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ, दुख और परेशानी है, नहीं बर्दाश्त होता, नहीं समझ में आ रहा, बहुत सारी चीज़ें, पुरानी किताबें, पुराने नोट्स, आपकी पुरानी रखी हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। और यहाँ तक अगर इसके घर में पेट्स हैं, तो इसके पेट्स तक ये महसूस कर रहे हैं कि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हुई हुई है, तबीयत हो सकता है बहुत ज़्यादा ख़राब हो, ये एंटी एन्जाइटी या कोई एंटी डिप्रेसेंट्स पिल्स तक ले रहे होंगे, और इनको काफ़ी हद तक एक स्ट्रेस समझ लीजिए, रोना बहुत आ रहा होगा, इसलिए भी ये इंसान आपसे बात करना चाह रहा है। फाइव ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, स्ट्रेंथ, जाहिरी बात है अगर हर्ट किया है, दिल दुखाया है, खुद भी हर्ट हुए हैं, तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। हिम्मत कैसे करें, आपने बिल्कुल इस तरीके से इनको टेम किया हुआ था कि दूसरों के सामने बहुत भड़कियाँ मारते होंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते होंगे, लेकिन आपके सामने ढेर, और आप इस ढेर को काफ़ी अच्छे तक संभालते थे। इस वक्त इस इंसान को कहीं पर भी हिम्मत नहीं मिल रही, और जहाँ से मिल सकती है वो आप हैं, इसलिए ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्यों है, पेज ऑफ सोर्ड्स, देखिए हाई प्रीस्टेस एक किसी के बारे में जानने वाली कार्ड, यानी टैरो रीडिंग आप देख लें, ये पर्सन जो है वो हाई प्रीसेस इंट्यूशन की बेसिस पर अपनी टैरो रीडिंग खुद कर रही है, करवा रही है, कुछ भी कर रही है, एंड देन पेज ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन सिमिलरली आपके बारे में भी इसी तरीके से कुछ जानना चाहता है कि आपके दिल में क्या है, आपके दिमाग में क्या है, इसको कहीं से कुछ पता चले। एंड विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, ये आपकी ऑनलाइन स्टेटसेस को, आपकी फेसबुक को, आपके इंस्टा स्टोरीज को, आपकी कॉल्स को, आपकी पोस्ट को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, और ये पर्सन लिटरली आपसे कनेक्ट करने के लिए हर वो ऑप्शन तलाश कर रहा है जिससे आप पे नज़र रख सके, आपसे कनेक्ट कर सके। यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स क्यों आए, हैंगमैन, आप दोनों के दरमियान कुछ मामला रुक से गए हैं, ऐसा जैमर लगा है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा, और ये पर्सन इस जैमर को तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, जितने भी पीछे कार्ड्स आ रहे हैं उसमें स्ट्रेस और एन्जाइटी का लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, या तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा डरता है, या इसने मामला इतने ख़राब कर दिए कि अब इसको खुद समझ नहीं आ रहा कि अगर आपने इससे सवालात करना शुरू किए तो आप इसके सवालात, ये आपके सवालात का जवाब क्या देगा, इसीलिए बिल्कुल अटका हुआ है मामला। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन डे टू डे आपकी ग्रोथ को, आपकी विक्ट्री को, आपके सेटल्ड होने को, आपके पीसफुल रहने को, इसे समझ नहीं आ रहा कि आप डे टू डे इतने आइसोलेटेड रहने के बावजूद कैसे आप सही रह पाते हैं। व्हाट इज़ दैट रीज़न बिहाइंड जो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखता है, सेल्फ एनर्जेटिक रखता है, आप कैसे इतने सारे दुखों को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, परेशानियों को बर्दाश्त करके भी आप लोगों में हीलिंग देते हैं। हीलिंग का कार्ड आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ लाते हैं, जबकि ये इतना फंसा हुआ है इस वक्त कि इसको समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरीके से ये जंजीरें तोड़े, ये रस्सी तोड़े, ये निकले उन चार दीवारियों से और ये आपसे आकर बात करें। बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट, दैट मींस कि कुछ ना कुछ इसको एक इंट्रोस्पेक्शन, सोल सर्चिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर हो रहा है। इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत ज़रूर किया है,
जिसका रिग्रेट इसको इतना एक्सट्रीम लेवल पर हो रहा है और ये कैसे इन चीज़ों को ठीक करे इसे समझ नहीं आ रहा। शायद ये समझ रहा है जो मुझे यहाँ कार्ड्स में नज़र आ रहा है कि अगर ये आपसे अपॉलोजी भी कर ले सामने आके खड़ा हो जाए तो इसको अब इस बात की श्योरिटी नहीं है कि आप इसको एज इट इज़ माफ़ कर देंगे, बिकॉज इसने कोई फ्लेक्सिबिलिटी और इनिशिएटिव फर्दर लिया नहीं। आपके बारे में कोई ओपिनियन कोई राय कायम करके पीछे हट गया और आराम से अब इत्मीनान से बैठा हुआ है कि देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ ट्रिगर कर रही है, इस वजह से भी ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। नाउ इफ़ यू फील कि आपने सेंस कर लिया है, गेस कर लिया है कि ये पर्सन कौन है और आप पकड़ सकते हैं कि ये पर्सन कौन है जो आपसे बात करना चाहता है और क्यों, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। लेट सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। लेट सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। लेट सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। Embarking on an adventure, I say with the wonders of the world. आप अपनी जर्नी को अपनी अपने फेम को अपनी ग्रोथ को बिल्कुल भी मत रोकिएगा। आप जितने एडवेंचरस हैं आप एक रिस्क टेकर हैं। कीप डूइंग दैट बिकॉज जो पास्ट में चला गया सो चला गया, जिसने आना होगा वो खुद ब खुद जुड़ जाएगा। जो है तेरा लब जाएगा करके कोई बहाना। तू झूम। टेकिंग एक्शन। I enthusiastically embrace life's boundless possibilities. ये बिल्कुल क्लियर है बात कि आप बहुत क्विकली अपनी लाइफ में एक्शंस लेते हैं, डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, इसकी सिचुएशन, ये पर्सन जो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, बात करना चाहता है, क्यों करना चाहता है वो भी मैंने बताया, इसकी किसी भी हरकत और अटेम्प्ट से आपको अगर कुछ ज़रा सा भी स्लाइटली सा भी कुछ डाउट फील हो, फौरन एक्शन लें। अगर आपको लगे कि इसकी पर्सनालिटी में इसके जेस्चर में जेन्युइननेस है, फौरन एक्शन लें। आप डरिएगा मत बिकॉज आप अपनी इंट्यूशन के हिसाब से काफ़ी तगड़े हैं, तो घबराना नहीं है। जैसे इमरान खान कहते हैं, घबराना नहीं है। सिंप्लीफाई योर लाइफ। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग आपकी सराउंडिंग में आपकी मॉडेस्टी से और आपकी सिंप्लिसिटी से काफ़ी ट्रिगर होते हैं। आप कोई कॉम्प्लेक्स लाइफ नहीं गुजारते, आपको लग्जरीज की नहीं पड़ी, आपको रिसोर्सेज का फिक्र है। लिमिटेड हो या अनलिमिटेड हो, आप लेस इज मोर पे बिलीव करते हैं। आपने काफ़ी हद तक अपने घर को डीक्लटर किया है, काफ़ी सिंपल और बहुत ही क्लीन और नीट कर लिया है आपने, और आपको कोई फिक्र नहीं है कि मेरे पास जो चीज़ें मौजूद हैं आई एम हैप्पी इन इट। तो कीप डूइंग दैट। हो सकता है आप कुछ लोगों से ऐसे मिले जो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और काफ़ी ज़्यादा फैशन ओरिएंटेड हों, ट्रेंड्स की बातें करें, बट आप उनमें सप्रेस नहीं होंगे। ये पर्सन आपको हो सकता है, अगर तो इसने आपसे कॉन्टैक्ट कर लिया तो ये आपको मटीरियलिस्टिकली प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा, दबाने का, क्योंकि यही एक टूल है जिससे ये आपको सप्रेस कर सकता है। बट आई थिंक आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज आप ठंड प्रोग्राम चल रहे हैं। कीप इट अप, टेक गुड केयर, बाय बाय।